जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे डिफेंस की दो इम्पॉर्टेंट एंट्रीज CDS और AFCAT के बारे में, और जानेंगे कि आपके लिए कौन सी एंट्री बेहतर रहेगी। दोस्तों, दोनों ही एंट्रीज का उद्देश्य है डिफेंस सर्विस के लिए एक बेहतर कैंडिडेट चुनना। जहाँ एक और AFCAT पूर्ण रूप से एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वहीं CDS UPSC कंडक्ट कराता है। दोनों ही एग्जाम्स ग्रेजुएशन के बाद वाली एंट्रीज के लिए हैं। दोनों एग्जाम्स में कट ऑफ क्लियर करने वाले कैंडिडेट अपनी चुनी हुई आर्म की SSB देने जाते हैं, और जो भी कैंडिडेट रेकमेंड हो जाते हैं वो मेडिकल देने जाते हैं। मेडिकल के बाद बनती है मेरिट लिस्ट, जिसमें आपके रिटन और SSB के एग्रीगेट मार्क्स जुड़ते हैं, और मेरिट इन होने वाले पहुंचते हैं अकेडमी में। AFCAT एग्जाम एयरफोर्स में अफसर बनने का मौका देती है, जहां कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल में होती है। फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन होने से पहले फ्लाइंग और टेक ब्रांच के कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग 74 हफ्ते की होती है, और नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटीज के कैंडिडेट की 52 हफ्ते की। AFCAT एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन की होती है, वहीं ग्राउंड ड्यूटीज के लिए परमानेंट और शॉर्ट सर्विस दोनों ही होती है। CDS का फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये नाम से ही पता चलता है कि ये एग्जाम तीनों आर्म्स के सिलेक्शन के लिए है। फॉर्म भरते समय आप अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक अपनी पसंदीदा आर्म की प्रेफरेंस देते हैं, और फिर क्लियर होने के बाद आपके पास आपके द्वारा चुनी हुई एकेडमी की SSB देने का मौका आता है। पहली एकेडमी है देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां 1.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आप आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होते हैं। IMA से पास आउट होने वाले ऑफिसर्स की कमीशन परमानेंट होती है। दूसरी एकेडमी है एयरफोर्स एकेडमी, जहां 74 हफ्तों की ट्रेनिंग फ्लाइंग ब्रांच के कैंडिडेट्स की होती है, और ट्रेनिंग की अवधि खत्म होने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर वो नियुक्त होते हैं। CDS एंट्री से जाने वाले ऑफिसर्स की कमीशन परमानेंट होती है। अगली एकेडमी है इंडियन नेवल एकेडमी अजीमाला, जहां इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनने से पहले 18 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। सब लेफ्टिनेंट की कमीशन भी परमानेंट होती है। आखिरी एकेडमी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जहां 49 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट बन एकेडमी से पास आउट होते हैं। ये एक टेम्पररी कमीशन है। आइए दोनों एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। AFCAT एग्जाम के फ्लाइंग ब्रांच की एज लिमिट है 20 से 24 साल, और ग्राउंड ड्यूटी की एज लिमिट है 20 से 26 साल। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कम से कम 50% फिजिक्स और मैथ्स में 10+2 लेवल में होने चाहिए। BE या BTEC में 60% होना जरूरी है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 12th और फिजिक्स में मैथ्स में 50% होने चाहिए, और BE या BTEC की डिग्री में 60% होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना आवश्यक है। वहीं एजुकेशन ब्रांच के लिए कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंक के साथ और ग्रेजुएशन में 60% अंक होने चाहिए, या फिर कैंडिडेट के पास इंटीग्रेटेड PG डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। मेट्रोलॉजी, इस एंट्री में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन किसी साइंस स्ट्रीम जैसे कि मैथ्स, स्टैट्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशिनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इनमें से किन्हीं में 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन में आपके मैथ्स और फिजिक्स में 55% होना अनिवार्य है। अब आती है CDS एंट्री। यहाँ IMA की एज लिमिट है 19 से 24 साल, AFA की 20 से 24, INA की 19 से 24 और OTA की 19 से 25। IMA और OTA के लिए आपका किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है, और आप अपने लास्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। INA के लिए BE या BTEC ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होना जरूरी है। AFA के लिए 10+2 में मैथ्स फिजिक्स में 50% और ग्रेजुएशन में 60% होना जरूरी है। आइए जानते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो AFCAT में टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें 30 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 GS के सवाल होते हैं। हर सही जवाब के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और एक गलत के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा। ये पेपर ऑनलाइन होता है। जो टेक्निकल एंट्री के कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इसके बाद EKT यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का एग्जाम देना होता है, जहां आपसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम दोनों ही पेपर की सेम होती है। CDS में 3 पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश का पेपर होता है जो पहली शिफ्ट में होता है, दूसरी शिफ्ट में GS का, और तीसरी शिफ्ट में मैथ्स। इंग्लिश और GS पेपर 100 नंबर के होते हैं, और पेपर में 120 सवाल होते हैं। हर सही सवाल के लिए आपको 0.83 मार्क्स मिलते हैं, और गलत के लिए -0.27। वहीं मैथ्स के पेपर में 100 सवाल होते हैं, जिसमें सही जवाब पर 1 और गलत पे -0.33 मिलते हैं। OTA में कैंडिडेट्स को 2 पेपर GS और इंग्लिश अटेम्प्ट करने होते हैं। दोस्तों, दोनों ही पेपर से आपको सेना में अफसर बनने का मौका मिलता है,
दोनों को क्लियर करना एक तरीके से मेहनत और लगन का काम है। ऐसे में ये बता पाना कि कौन सा पेपर आपके लिए ठीक रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। आप ये डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन इस प्रेपरेशन की जर्नी में आप कहीं पीछे ना रह जाएं, इसका ख्याल हमने रखा है। आप हमारे पेड कोर्सेज और SSB बुक्स रेफर कर सकते हैं। ये करके आप अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ये कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल रेंजेस में डिजाइन किए गए हैं, जहां आप बिना रुके और सोचे सेना में अफसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।